रोक भैया। हाँ क्या कर रहे हो यार? मेडिटेशन कर रहा हूँ अपनी, आराम से आत्मा को शांति मिलती है मेडिटेशन करने से। मतलब आंख बंद करके बिस्तर में लेटे हुए, इसका मतलब मेडिटेशन नहीं हो रही कि सो रहे हो? मतलब थोड़ी लेजी मेडिटेशन है, लेकिन मेडिटेशन तो ध्यान की बात होती है मेरे दोस्त। ध्यान कर रहा हूँ, मेरी आत्मा को रिष्ट पुष्ट कर रहा हूँ, आत्मा को खाना खिला रहा हूँ मैं। अच्छा यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ बोल बोल। यार मतलब मैं इतना सारा खाना खा के ना मेरा दिमाग इधर उधर घूम रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा वॉक वॉक करता हूँ। जब मैं वॉक कर रहा था मेरे दिमाग में एक चीज आई। यार ये ना, तू जो तेरे आइडियाज होते हैं ना, हाँ ये सारे अजीबो गरीब इंटरनेशनल टाइप का खाना खा के तेरे को आइडियाज आते हैं। हाँ आज तूने क्या क्या खाया बता जरा आपको तो को। एक्चुअली बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा यही था जब मैं वॉक कर रहा था मेरे दिमाग में आया। हाँ कि देखो जी, पहले तो हमने फ्रेंच डिजर्ट खाया, बिल्कुल बहुत टेस्टी था। जी उसके बाद हमने चाइनीज खाना खाया, बिल्कुल। लेकिन अब क्या है, जब मैं वॉक कर रहा था ना, हाँ तो मेरे अंदर का जो हिंदुस्तानी हलवाई है ना, वो जाग गया है। तेरे अंदर एक हिंदुस्तानी हलवाई भी है? हाँ अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा हलवाई है, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा हूँ। मेरे अंदर जो हलवाई रहता है वो भी बहुत बड़ा है, और वो अभी गाने गा रहा है। अच्छा हाँ गुड, हमको भी सुना यार, क्या अच्छा। क्या गाने गा रहा है वो? राजवाड़ी लस्से, मीठी वाह लस्से, कुल्फी फलूदा, शाही फलूदा आइसक्रीम। यार, इतनी रात को अपने अंदर की हलवाई को बहुत सो जा, नहीं यार, अगला दिन हो चुका भाई साहब, 12 बजने वाले ऑलमोस्ट। यार मेरा हलवाई बड़ा परसिस्टेंट है, हाँ जरा इतना मांस तो उतारो ना यार, मैं ध्यान में लीन हूं, मग्न हूं मैं। यार। मेरा हलवाई स्पेशली रात को मिलने आया, जरा मांस तो उतारे यार। मैं मास्क को हाथ ही लगाता हूँ भाई साहब, आफ्टर 11 o'clock एट नाइट हम मास्क नहीं हटाते चल हैं। मैं ये क्या बात है? क्या मेरा मास्क हटा दिया तूने? हाँ ये खीरा और कैरेट क्या करता? देखिए भाई साहब, ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है। मेरे एक दोस्त मयूर ने मुझसे कहा था कि रात को अगर भूख लगे और मिडनाइट स्नैक खाना पड़े तो आप हेल्दी चीजें खाया करिए। तो मैं अपना मास्क पहन के उसके नीचे अपना गाजर और खीरा हमेशा तैयार रखता हूँ, तो हेल्दी भी रहता हूँ, नींद भी अच्छी आती है, और भीनी भीनी खुशबू से मुझे आराम मिलता है। अच्छा, भीनी भीनी खुशबू से याद आया। हाँ अभी थोड़ा अपनी जो लंबी सी सूंड है ना, उसको खैर। यार तेरी आइडियाज की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है मेरे को। मेरे सारे आइडिया वेरी गुड स्मेलिंग भी होते हैं। रियली? हाँ यार ना, देखा सडनली मेरा मेरा अंदर का हलवाई तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। यार एक बात बता, हाँ इतनी रात को तू ये सामान सब कहां से लेके आया मेरे अजीबो गरीब दोस्त? एक शब्द, हाँ जोमाटो। वेरी गुड यार, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। तो देख मेरी बात सुन। हाँ ये पकड़ एक मिनट। हाँ देखो, हाँ तूने मुझसे क्या कहा था कि हेल्दी खाना चाहिए रात के? भाई साहब, हाँ रात के टाइम पे जब मिडनाइट स्नैक खाने का मन करे, हाँ तो कुछ हेल्दी खाया करो। हाँ तो तू खा वो और ये खाता हूं मैं, और ये देख लेके भी आया तो फरकी से। फरकी आपको याद होगा, हम पहले भी गए थे एक बारी, बड़ा मजा आया था फरकी में खाना खा के यार, बिल्कुल परफेक्ट है। 1 2 3 4 5 पांचों उंगलियां मिले तो बन गई मुट्ठी पावर मिडनाइट स्नैक। हेलो, क्या मैंने बात 5 चीजें मंगाई थी ताकि मेरे को भी खाने को मिले, और फरकी से मंगाई थी क्योंकि मेरा भी फेवरेट है यार। रात को खाना खाओ तो क्या खाना चाहिए? हेल्दी खाना। बिल्कुल, तो ये एडवांटेज होता है अच्छे दोस्त का। तुम बड़ा प्यारा यार, चल कोई बात नहीं, तू ये क्या लेके आया तू? यार ये बहुत डिलीशियस जीरो शुगर लस्सी है। हाँ वो तेरे लिए, हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी पीना चाहिए, और लस्सी खाने के बाद नींद बहुत बेहतरीन आती है। तो जब भी तेरे को ऐसे वियर्ड आइडियाज आए ना रात के बीच में, तो तू यही काम किया कर, ऑर्डर कर दिया कर, आराम से दोनों भाई मिल बांट के आधा आधा खाएंगे और मस्ती से सो जाएंगे लस्सी पीने के बाद। ओए फलूदा और कुल्फी, कोई बात नहीं, मैं अपने अंदर के हलवाई की अब गालियां सुनूंगा और मैं हेल्दी खाना खाता हूँ। फरकी का फलूदा कुल्फी यार, टू गुड यार। थोड़ा सा दे दे यार, मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरे हलवाई के लिए प्लीज। नहीं क्या याद रखेगा तू? अरे यार ग्रीडी नहीं बनते हैं। नहीं मैं नहीं हूं, ये मेरा अंदर का हलवाई मांग रहा है यार। जब तू इतने प्यार से बोली रहा है तो खा, इसके बाद क्या नींद आएगी भाई फ्रेंड। ये ले अपना चम्मच, ये कर चीयर्स एंड पार्टी। चीयर्स चीयर्स।